नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज, आपके साथ में मोहम्मद मिराज आलम। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया राज्य सरकार पर कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप, कहा अगस्त सितंबर तक विस्फोटक हो सकती है स्थिति। आज से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के सीएम आवास में कोरोना ने दी दस्तक, सीएम नीतीश कुमार की भतीजी संक्रमित। नेपाल ने भारत को दी है धमकी, तटबंध हटा ले नहीं तो तोड़ देंगे, बिहार की बढ़ी चिंता। बिहार कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के पार, 97 लोगों की जा चुकी है जान। बाढ़ के पानी से उफान रही महानंदा, नदी में डूबी ओवरलोड नाव, लोगों ने तैरकर बचाई जान। 24 घंटे में 324 मरीजों ने कोरोना को दी मात, अब तक 9,338 लोग स्वस्थ हुए। पटना के होटल में लगी भीषण आग, युवकों ने कूदकर बचाई जान। मधेपुरा में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, दो महिलाएं झुलसी। बिहार विधानसभा चुनाव, कोरोना संक्रमित मरीज व दिव्यांग डाक मतपत्र से दे सकेंगे वोट। यशवंत सिन्हा ने पटना से शुरू किया बदलो बिहार अभियान, कहा राज्य सरकार को सत्ता से हटाना मुख्य उद्देश्य। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों ने बनाई मानव श्रृंखला, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। नेपाल की धमकी के बाद बलुआ गुवाबरी तटबंध पर बढ़ी सुरक्षा, एनडीआरएफ की टीम ढाका पहुंची। बिहार के 35 जिलों में मिले 385 नए कोरोना संक्रमित, राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 12,525 हुई। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने यूपी के कुख्यात विकास दुबे को दिया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो बिहार घुसकर दिखाएं। बिहार में नेशनल हाईवे की 392 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी 4 लेन, पथ निर्माण विभाग द्वारा टेंडर हुआ जारी। बिहार के पूर्वी चंपारण में रक्सोल मैत्री पुल पर नेपाल पुलिस ने लगाया सीमा बोर्ड, एसएसबी के सख्त विरोध करने पर बोर्ड को हटाया गया। राजधानी पटना में अपराधियों ने दी पुलिस को खुली चुनौती, ज्वेलरी शॉप से 20 लाख और व्यापारी से 15 लाख रुपए का हुआ लूट। जदयू पार्टी में शामिल हुए राजद के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, कहा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा उसके अनुसार काम करूंगा। दिवंगत सुशांत सिंह की अंतिम फिल्म दिल बेचारा को बड़े पर्दे पर दिखाने की मांग कर रहे पटना के लोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कोरोना महामारी के चलते विधानसभा चुनाव के लिए अभी सही समय नहीं। सावन की पहली सोमवारी को लालू परिवार पहुंचा भोलेनाथ की शरण में। 5 साल वेतन न मिला तो सीतामढ़ी के शिक्षक संजीव कुमार ने काटा हाथ और खून से लिखा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, तालाबंदी के बाद जागे अधिकारी। बिहार मौसम विभाग ने 19 जिलों में ब्लू और 19 में ग्रीन अलर्ट जारी किया, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश के आसार। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजद को अदालत, चुनाव आयोग और संविधान पर भरोसा नहीं। अगर आप हमारे इस खबर को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें। अगर आप हमारे इस खबर को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।